गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और तो आज है मेरे भाई का बर्थडे और कल है मेरे कज़न का बर्थडे। ये मेरा छोटा सा क्यूट सा कज़न अंशु। तो आज हम दोनों का बर्थडे इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। तो चलो चलते हैं, तैयारी करते हैं कि क्या क्या, देखते हैं कि क्या क्या बन रहा है। तो गाइस, आज बनने जा रहा है फ्राइड राइस। तो राइस बन गया है और हमने ये बीन्स काट लिए अच्छे से, और ये पनीर और ये मशरूम। अब हम ये अनियन वगैरह हमने काट के रेडी कर लिया है। तो अब हम अपने शेफ का वेट कर रहे हैं। तो फ्राइड राइस के साथ साथ हम बनाएंगे क्रीमी पास्ता, और ये सब प्रिपरेशन कर लिया हमने। और जैसे ही भैया आ जाएंगे, जो मेरे बड़े भैया हैं वो हमारे घर के शेफ़ हैं एक्चुअली, तो जो भी कुछ भी बनाना होता है तो हम उनको ही बोलते हैं कि वो बनाए, क्योंकि उनके हाथों का जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मतलब ऑसम बनाते हैं वो। तो गाइज, ये है हमारे घर का एक अनोखा सा मेंबर जो सोच रहा है किसी भी तरह अंदर चले जाऊँ, क्योंकि ये रूम इसका फेवरेट है। और ये यहाँ पर मैं इसको नहीं भेज सकती क्योंकि इनकी मीटिंग चल रही है। और ये जाके यहाँ पे देखो ऐसे चिल्लाता है, ऐसे चिल्लाता है। तो देखो ये कितनी कोशिश कर रहे हैं कि मैं नीचे से चले जाऊं, अंदर चले जाऊं और बस जाके उधर बैठ जाऊं बेड पे और बस खेलते रहो। ये देखो कैसे कैसे कोशिश कर रहे हैं कि मैं अंदर जाऊं। मिठू जा, जा अंदर जा। तो अब ये पापा के पास चला गया है। चलो जी, ये देखो ये पापा के पास बैठ गया है आराम से। बस कोई इसके साथ चाहिए बातें करने वाला, तो बस देखो कैसे मजे से खेल रहा है। और ये बस अपनी सीट पे जा रहा है, ये इसका फेवरेट सीट। देखो देखो, बस जाके सोफे पे बैठ जाएगा। चल चिकू चिकू। तो गाइज, अब मैंने ये कैप्सिकम काट दिए थोड़े से और थोड़े से गाजर। तो अब हमारे, तो गाइज हमारे शेफ जी आ गए हैं। अब ये पहले बनाएंगे फ्राइड राइस। तो हम आपको पूरा बताएंगे ये फ्राइड राइस कैसे बनाते हैं, क्योंकि इनके हाथों के फ्राइड राइस बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा। तो गाइस, सबसे पहले हम डालेंगे अमूल बटर। ये सारा का सारा इसमें बटर डाल देंगे, और फिर उसके बाद जब बटर गर्म हो जाए तो उसके बाद हम डालेंगे जीरा। देखिए बटर गर्म होने के बाद जीरा वगैरह डाल दिया हमने। ये अच्छे से थोड़ा ब्राउन कलर में जैसे हो जाएगा, उसके बाद हम उसके बाद प्याज डालेंगे ना। उसके बाद क्या डालेंगे? प्याज डालेंगे, सब्जी वगैरह डालेंगे। हाँ, प्याज और सारी वेजेस डालेंगे। ये हम डाल रहे हैं प्याज, ये हम सारी वेजेस डाल रहे हैं, बीन्स, पनीर, ये मशरूम है हमारे पास, गाजर है, कैप्सिकम और मशरूम, लहसुन, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया हमने। और अब अच्छे से इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। ये हमने डाल दिया मशरूम, अब इसको अच्छे से भुनेंगे सारे वेजेस को। तो गाइज, अब हम डाल रहे हैं पनीर, अब इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो गाइज, अब हम डाल रहे हैं राइस। तो देखो कैसे फ्राइड राइस बनके तैयार हो रहा है। अब राइस के बाद हम डालेंगे विनेगर, सिरका, और अब डालेंगे ये सोया सॉस है ना, ये सोया सॉस डालेंगे इसमें। सॉल्ट वगैरह सब डाल दिया है। तो गाइज, फ्राइड राइस बना दिए भैया ने, और ये जो है मंचूरियन ये भैया शॉप से ही बना के लाए थे ताकि टाइम बच जाए। ये जब शॉप पे गए भैया तो शॉप से बना के ले आए थे। तो फ्राइड राइस बन चुके हैं, मंचूरियन भी तैयार है। बस हमने ये वेजेस काट लिए हैं क्रीमी पास्ता के लिए, पास्ता ठहर के बनाते हैं। तो गाइज, बर्थडे बॉय का वेट हो रहा है, वो शॉप पे गया है। जैसे वो आएगा हम केक वगैरह कट करके उसके बाद हम पास्ता की तैयारी करेंगे। पास्ता यहाँ बॉईल करके रख दिया हमने, और जैसे ही केक वगैरह कट कर लेंगे उसके बाद हमारे शेफ फिर से मेहनत करेंगे पास्ता पे। तो जो मेरा छोटा भाई है उसे क्रीमी पास्ता बहुत पसंद है, सबको क्रीमी पास्ता बहुत पसंद है, तो हम क्रीमी पास्ता खाएंगे और इंजॉय करेंगे। तो गाइज, केक आ चुका है, तो हम केक की अनबॉक्सिंग करते हैं। ओहो हो, देखो पेस्ट्री लग गई यहाँ पे। तो कैसा है केक?
केक तो बहुत अच्छा है, वेनिला केक मंगवाया हमने क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है वेनिला और मेरे भाई को भी बहुत पसंद है वेनिला। तो अब ये बर्थडे बॉय पता नहीं कब तक वेट कराएगा हमें। सॉरी गाइस, मैं क्रीम पास्ता की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बर्थडे बॉय बहुत लेट आया था और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो सीधा केक कट किया। आई होप यू वीडियो लाइक करो।